और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं झालरापाटन से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इस समय अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे झालरापाटन से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी ने एक बार फिर झालरापाटन से वसुंधरा राजे को टिकट दिया है, एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। और इस वक्त नॉमिनेशन के वक्त उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी वसुंधरा राजे के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम नेता वसुंधरा राजे के नॉमिनेशन के दौरान उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। झालरापाटन में वसुंधरा राजे ने जनसभा को सुबह संबोधित किया और उसके बाद बालाजी मंदिर में वसुंधरा राजे पूजा अर्चना करने पहुंची। तो झालरापाटन से वसुंधरा राजे इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। आपको बता दें झालावाड़ से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी से सांसद भी हैं और आज वसुंधरा राजे अपनी जनसभा के दौरान भी अपने बेटे को लेकर ये कहती नजर आई कि अपने बेटे को देखकर मुझे लग रहा है उनकी बातों को सुनकर, उनके स्पीच को सुनकर कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, उस तरीके की बात भी वो हालांकि मजाक मजाक में कहती नजर आई। तो झालरापाटन से एक बार फिर से वसुंधरा राजे चुनावी मैदान में, बीजेपी ने एक बार फिर वसुंधरा राजे पर भरोसा जताया और इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं राजे। उनके बेटे दुष्यंत सिंह उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वसुंधरा राजे नॉमिनेशन जब दाखिल कर रही हैं तो उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी के तमाम नेता वसुंधरा राजे के नॉमिनेशन की प्रक्रिया में उनका सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह नॉमिनेशन इस समय जब दाखिल किया जा रहा है तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ मौजूद हैं। तो आज सुबह जनसभा को संबोधित किया पूर्व सीएम ने और अपनी जनसभा में बेटे दुष्यंत सिंह का जिक्र करती हुई नजर आई, साथ ही साथ कहती नजर आई कि जनता ने उन्हें सब सिखा दिया है, अब वो रिटायर हो सकती हैं, इस तरीके की बात मजाक के लहजे में वसुंधरा राजे कह रही थी। उसके बाद बालाजी मंदिर में जाकर वसुंधरा राजे ने माथा भी टेका, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वसुंधरा राजे पहुंची हैं और ये दाखिल इस वक्त अपना नॉमिनेशन वसुंधरा राजे ने कर दिया है। तो वसुंधरा का नामांकन और उससे पहले पूजा अर्चना का दौर देखने को मिला। नामांकन से पहले बालाजी धाम जाकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने इस वक्त वसुंधरा राजे मौजूद हैं और अपना नॉमिनेशन उन्होंने झालरापाटन से दाखिल किया है। आज अपने संबोधन में वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की जनता का शुक्रिया भी अदा किया और उन्होंने ये भी कहा कि झालावाड़ की जनता को वो कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि लगातार सपोर्ट वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को झालावाड़ की जनता ने दिया है। झालरापाटन से लगातार विधायक रही हैं वसुंधरा राजे और एक बार फिर से बीजेपी ने झालरापाटन से वसुंधरा राजे को टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। हालांकि इस बार चूंकि बीजेपी की तरफ से कोई सीएम चेहरा नहीं घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी जब भी बीजेपी के सीएम उम्मीदवार की बात होती है तो उसमें एक नाम वसुंधरा राजे का अब भी लिया जाता है कि अगर बीजेपी जीती चुनाव तो क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे को मौका मिलेगा। इस तरीके की चर्चाएं सियासी गलियारों में अक्सर सुनने को मिलती हैं। बहरहाल अभी फिलहाल झालरापाटन से वसुंधरा राजे नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी वसुंधरा राजे के साथ इस वक्त उनके नॉमिनेशन में उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी के कई नेता वसुंधरा राजे का सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे के नॉमिनेशन की। वहीं दूसरी तस्वीर आपने लगातार देखी, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले वसुंधरा राजे बालाजी धाम में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे।
सतवीर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सुबह जनसभा को संबोधित किया, बालाजी धाम पूजा अर्चना की और उसके बाद अब नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंची हैं। तो पार्टी की तरफ से सपोर्ट देने के लिए यहां पर कई कद्दावर नेता पहुंचे हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, आप ये तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है वो रिटर्निंग अधिकारी जो कार्यालय है वहाँ पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर अपना जो नामांकन पत्र है वो यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी को यहाँ पर दिया है और खास तौर से उनके चेहरे पे जैसे ही मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उनके जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह वो भी उनके साथ में यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ ही प्रहलाद जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं जिन तस्वीरों में दर्शक की ऐसे तरीके से जो यहाँ पर जो नामांकन जो भरा जा रहा है और इससे पहले वसुंधरा राजे ने यहाँ पर जो सभा है वो यहाँ पर की थी, उसके बाद में जो वो मनसापुर जो मंदिर है हमारी हनुमान जी मंदिर है वहाँ पर गई थी, वहाँ पर उन्होंने विशेष जो पूजा अर्चना यहाँ पर की थी, भगवान से जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर लिया था और इसके बाद ही जगह जगह पर जो लोग थे जब अराड़ी के हनुमान जी मंदिर से वो वहाँ पर रवाना हुए थे तो उस दौरान जगह जगह पर लोग उनके स्वागत के लिए भी जो फूल माला लेकर खड़े हुए थे और अब आपकी के बाद में सीधे वो अब अपने जो रिटर्निंग अधिकारी जो कार्यालय है वहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर जो अपना नामांकन है जो यहाँ पर भर रही है और खासतौर से जनता भी उनके साथ में चलती हुई यहाँ पर नजर आई थी, जो समर्थक थे वो भी लगातार यहाँ पर जगह जगह उनको उनके जो नारे नारे है वो लगा रहे थे, उसमें जिंदाबाद के जो नारे है वो भी यहाँ पर लगा रहे थे। और खासतौर से इस तरीके से अगर साथ की बात करें तो किशन सिंह जो उनके लड़के हैं वो भी यहाँ पर जो मौजूद हैं और इसके साथ ही अब जो नामांकन जो है यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी को अपना जो नामांकन है वहाँ पर दे रही है और अब जो पूरी जो प्रक्रिया है जिस तरीके से नामांकन देने के बाद में जो प्रक्रिया होती है उसमें यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर पूरा करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है और अब यहाँ से वसुंधरा राजे कुछ देर बाद में रिटर्निंग अधिकारी जो कार्यालय है वहाँ से रवाना होगी और हो सकता है कि यहाँ पर जो मीडिया से भी वो मुखातिब हो सकती हैं और अपनी जो चुनावी जो आगे है उसको लेकर भी जो बातचीत है वो यहाँ पर कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल, तो अपने नॉमिनेशन के बाद मीडिया से भी वसुंधरा राजे बातचीत कर सकती हैं। आज सुबह जनसभा को संबोधित किया और झालावाड़ की जनता के लिए, झालरावाटन की जनता के लिए उन्होंने एक बात कही कि यहाँ की जनता को मैं कभी नहीं भूल सकती, जिस तरीके का सपोर्ट झालावाड़ की जनता ने उनका और उनके बेटे दुष्यंत सिंह का किया है उससे लेकर काफी इमोशनल वसुंधरा राजे आज अपनी जनसभा में नजर आई। और एक बात उन्होंने कही, चाहे मजाक के लहजे में कही सतवीर, लेकिन एक बड़ा संदेश दिया कि अपने बेटे को देखकर मुझे लगता है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ, ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। हालांकि मजाक वसुंधरा राजे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन बातों ही बातों में एक बड़ा संदेश दिया। जो लोग ये सोचते हैं कि वसुंधरा राजे सत्ता के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रही हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपने कई विरोधियों को जवाब एक तरीके से दिया। तो ये सीधी तस्वीरें नॉमिनेशन की, नॉमिनेशन से पहले बालाजी धाम पहुंचकर वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की। चूंकि भगवान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की आस्था के बारे में हर कोई जानता है कि जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए वसुंधरा राजे जाती हैं या अक्सर उन्हें हमेशा देखा जाता है, चाहे देवी के मंदिरों में हों या फिर जिस भी जगह पर वसुंधरा राजे जाती हैं वहाँ पर अक्सर भगवान की पूजा अर्चना मंदिरों में जाती हुई करती हुई वो नजर आती हैं। तो आज अपने नॉमिनेशन से पहले भी, नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले वसुंधरा राजे बालाजी धाम गई, बालाजी धाम में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, जनसभा को संबोधित किया और अब नॉमिनेशन इस वक्त वसुंधरा राजे दाखिल कर रही हैं। एक बार फिर से झालरापाटन से बीजेपी ने वसुंधरा राजे पर भरोसा जताया और इस वक्त आप देख सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वसुंधरा राजे अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं, तो उनके साथ बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी मौजूद हैं, उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो झालावाड़ से बीजेपी के सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। तो आज अपने संबोधन में वसुंधरा राजे झालरापाटन और झालावाड़ की जनता के लिए कहती हुई नजर आई कि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके का प्यार उन्हें दिया है इस प्यार को वो कभी नहीं भूल सकती, इस तरीके की बात भी वसुंधरा राजे आज कहती हुई नजर आई। तो अब देखते हैं झालरापाटन से वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस पार्टी किसे उतारती है। अभी फिलहाल झालरापाटन से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है क्योंकि कद्दावर नेता हैं वसुंधरा राजे और लगातार इस क्षेत्र में मजबूत रही हैं और वैसे तो पूरे राजस्थान में
काफी लोकप्रियता वसुंधरा राजे की है, लेकिन झालरापाटन झालावाड़ वो क्षेत्र है जहाँ की जनता ने भरपूर प्यार वसुंधरा राजे को हमेशा से दिया है। अब देखते हैं इस बार के चुनाव में कितना प्यार राजे को मिल पाता है। लेकिन अभी फिलहाल नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से ऑलरेडी सिटिंग MLA वसुंधरा राजे हैं वहाँ पर जनसभा को भी संबोधित किया और उसके बाद राजे ने बालाजी धाम में जाकर पूजा अर्चना की। वसुंधरा राजे के साथ इस समय BJP के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद है। इस समय रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वसुंधरा राजे अपना नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। तो 25 नवंबर ये वो तारीख जब राजस्थान में मतदान होगा, अपना वोट डालेंगे राजस्थान के लोग और उसके बाद 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि किसके सर पे सजेगा ताज और कौन होगा सत्ता में। इस बार होगा परिवर्तन या फिर होगा मिशन रिपीट, ये सब 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन 25 तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि 25 नवंबर को प्रदेश की जनता अपना मत अपने नेता को देगी। 25 नवंबर को जनता अपनी चॉइस मतदान पेटियों में रिकॉर्ड करेगी, EVM मशीन पर जाकर बटन दबाने वाला ये दिन है। तो 25 तारीख निर्णायक दिन होगा 25 नवंबर और उससे पहले नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसका छठा दिन है। 6 नवंबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा। तो 6 नवंबर से पहले तमाम प्रत्याशी अब लगातार नॉमिनेशन भरने के लिए जा रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं और ऐसे में वसुंधरा राजे पहुंची हैं झालरापाटन अपने क्षेत्र से नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। तो झालरापाटन से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व CM वसुंधरा राजे इस वक्त नॉमिनेशन दाखिल कर रही हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह जो कि झालावाड़ से सांसद हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। BJP के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी इस समय वसुंधरा राजे को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो 25 नवंबर लगातार आपको हम TV स्क्रीन पर वसुंधरा राजे को नॉमिनेशन दाखिल करते हुए आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कौन होगा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार, कौन देगा वसुंधरा राजे को टक्कर, अभी फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो टिकट किसे दिया जाएगा ये अभी घोषित नहीं किया गया है। झालरापाटन से कांग्रेस उम्मीदवार कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं 25 नवंबर मतदान का दिन, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें और कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या कांग्रेस का सपना मिशन रिपीट होगा साकार या फिर जैसे कि राजस्थान की परिपाटी चली आ रही है सत्ता में पार्टियां बदलती हैं तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्व CM वसुंधरा राजे के नॉमिनेशन दाखिल करने की तस्वीरें रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। निर्वाचन विभाग के कार्यालय में वसुंधरा राजे इस वक्त झालरापाटन में मौजूद हैं और अपना नॉमिनेशन